सो बाटा इज दी फर्स्ट स्टॉक सिलेक्टेड अंडर द्रेकआउट स्ट्रेटेजी सो लेटस्ट चेक दी फिफ्टीन मिनट स्टार्टो जैसे आप देख सकते हो ऑलरेडी बाटा जो है एक साइडवे जोन में करेंटली है सो कंसोलिडेशन जब भी प्राइजेस की होती है तो हमेशा हम ब्रेकआउट के लिए प्लान करते हैं तो ब्रेकआउट हमें क्या प्लान करना है सो so, ब्रेकआउट हमें सिंपल रखना है अबाव द रेड बॉक्सॉक्स जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल रेड बॉक्स अवेलेबल है सो समवेर अराउंडीन एटी वी आर प्लानिंग टू टेक अ बाई ट्रेड दैट इज अबाउ द रेड बॉक्स एंड डेली रेजिस्टेंस एंड वीकली रेजिस्टेंस सो so, जब लेवल अगर ट्रैप हो रहे तो नो no डाउट आपको एक अच्छी खासी ब्रेकआउट मूव देखने मिल सकती है सेम चेक कि कौन से लेवल तक ये पर्टिकुलर प्राइस जा सकते हैं तो जैसे आप देख सकते हो ऊपर के साइड पे 15, 10 या ये जोन में बेसिकली मंथली रेजिस्टेंस है सो नो डाउट यू कैन प्लान अ गुड ट्रेड ऑन दी अपर साइड टूअर्ड्स मंथली रेजिस्टेंस जोन से और आपका जो स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी बिलो डीआरडब्ल्यू आर एंड ट्रेड बॉक्स विच इज अराउंडोर्टीन सेवेंटी फाइव सो बाटा में हम बेसिकली एक बाई ट्रेड प्लान करेंगे अब या फिफ्टीन हंड्रेड इज अड साइको ऑन स्टॉक्स सो लेटेस्ट चेक हाउ बाटा परफॉर्म टूडे सो जैसे आप देख सकते हो कि बाटा इंडिया जो बेसिकली स्टॉक है जो रेड बॉक्स के ऊपर हम बेसिकली प्लान कर रहे थे जैसे आप देख सकते हो तो बेस्ट केस खुली थी जो ऑबली तो आपको ये एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं था क्योंकि ऑलरेडी एक टारगेट जोन में बेसिकली क्लोज हो गया बट अगर आप वन मिनट ट्रेडर हो तो लेटेस्ट चेक की वन मिनट का प्राइस एक्शन क्या था क्योंकि जो ट्रेड्स एक अच्छे ट्रेड जब ब्रेकआउट होते हैं और जो वन वे ट्रेड ब्रेकआउट होते हैं जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा एक क्विक ब्रेकआउट मूवमेंट के साथ ही होते हैं तो so, चलिए देखते हैं हमें वन मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे ब्रेकआउट बेसिकली हम पॉसिबिलिटी थी हम ट्रेड कर सकते हैं तो हमने यहाँ वन मिनट का चार्ट ओपन किया है जैसे आप देख सकते हो कि इट बिलो ब्रेकआउट जोन और डीआरडब्ल्यू आर बेसिकली जो डेली और वीकली रेजिस्टेंस थे एंड प्लस रेड बॉक्स लाइन जो बेसिकली ये लेवल है जो रेड बॉक्स के ऊपर उसको उसने एक ही कैंडल के साथ टेकआउट किया और जब भी नया हाई बन जाता है वन मिनट कैंडल का तो आप ट्रेड ले सकते हो एक मोमेंटम ट्रेड होगा इसलिए आप कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड कीजिए क्योंकि हमें एक स्विंग लोन ही देखने मिला जो कि हम एडअप्ट कर सकते हैं क्वांटिटी और सेम वेज आप जैसे देख सकते हो एक्जैक्टलीट फिफ्टीन हंड्रेड जो कि एक साइकोलॉजिकल फिगर भी है वहां से फिर से एक सेल ऑफ आता है सो so, अगर आप ये ट्रेंड अगर मिस आउट करते हो तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट ट्रेड हम कैसे प्लान कर सकते हैं इसमें तो यहाँ पे हमने फिर से एक बार पांच मिनट का चार्ट ओपन किया है तो आप देख सकते हो कि जब एक अपमूव होगी नियर टू द फिफ्टीन हंड्रेड जोन एस पर टारगेट सो वंस अगेन एक वहां से सेल ऑफ़ आता है अभी देखो सेल ऑफ आता है तो जो प्रायर ब्रेकआउट जोन था विच वॉज रेजिस्टेंस लास्ट टाइम

जिकल फिगर है तो ये ब्रेक करना जब ये दो-तीन टाइम यहाँ पे जब ये ब्रेक करने के लिए कोशिश करेगा तभी जाके आपको एक वन वे अपवर्ड जर्नी मिलेगी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक सो ऐसे ही ब्रेकआउट ट्रेड्स के लिए हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में जुड़े रहिए ताकि आपको भी एक प्रॉपर वे में ब्रेकआउट ट्रेड uh, कर पाए और सेम वे स्टे अपडेटेड ऑन आवर YouTube चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो थैंक यू